और फिर हम इस सारी ओके डिटेल में ओके आते ओके ओके हैं, ओके ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, भी कहानी है. सो व्हाट आई वांट टू नो इज़ मलिक ज़ुबैर के जो फादर हैं वो काफ़ी, मतलब वो भी मलिक जज्बाती मुख्तार हैं, मलिक मुख्तार हो, लेकिन थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करती है. तो यूजुअली अगर हम कैरेक्टर देखते हैं तो हमें वो पीछे से भी नज़र आ रहा होता है कि वो कोई स्ट्रीक चल रही है इतनी एरोगेंस या इतने गुस्से की कि वो जनरेशन बाय जनरेशन आ रही है. यहाँ फ़र्क लग रहा है मुझे, तो ये क्यों हुआ है, क्या आई फील क्या लाइक इसका अपने राइटर की ना अपने आई फील लाइक कि राइटर ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था, ओके क्योंकि हम देखते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल आप भी रोज़ की इंटरेक्शन करती हैं, सो अगेन नॉट ऑल पीपल आर बैड, नॉट ऑल पीपल विद सच बैकग्राउंड्स आर बैड, बट आपको यंगर जनरेशन में ज़्यादा मिलेगा कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन. वाई? एक तो जवानी का वो जुनून आप इसे कह सकते हैं, दूसरा वो ये ना कि जिस बंदे ने खुद बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मलिक मुख्तार का जो इमेज दिखाया हुआ है कि मलिक मुख्तार ने एक चीज़ अगर खुद बिल्ड की है, स्पेंट इज इंटायर लाइफ बिल्डिंग दिस लाइफ स्टाइल, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े खान है तो पीछे से चलता आ सही रहा है ना, बात है. बट एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी में पूरी मेहनत और उसका अप्रोच किया, तो आई फील लाइक दिस ऑल्सो अप्लाइज इन रियल लाइफ एज वेल, कि एक बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की ये सब बनाने के लिए, उसको उसकी कदर होती है, नॉट ऑलवेज, और यंगर जनरेशन में नहीं होती, क्योंकि वो बचपन से ही, तो मलिक जुबैर आई फील लाइक वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, उनको प्लेट पे मिल गया तो प्लेट में सब उनको मिला, और उसकी वो बदमाशी, क्योंकि वही बात है ना, हर वक्त गार्ड साथ, हर वक्त खुली बदमाशी, कोई भी मसला हो जाए हल हो जाता है, सही नो वन बात हैज़ द है. ऑडेसिटी टू से एनीथिंग टू यू, तो दैट आई फील लाइक स्पॉइल्स यू. तो आई फील लाइक मलिक जुबैर और मलिक मुख्तार की बड़ी अच्छी डिपिक्शन थी यू आर राइटर राइट की, नाउ, अब आप जब कह रहे हैं तो ये एक्चुअली इट मेक्स सेंस. बिकॉज वही मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे यही लगा कि यार दिस इज वो ये ना कि पढ़ते हुए खुद जहन में आ जाते हैं ख्याल कि हाँ दिस मेक्स सेंस, तो विच ऑल्सो अगेन हेल्प्स मी टू परफॉर्म द कैरेक्टर. मलिक मुख्तार इज केयरफुल कि वो ये चीज लूज ना कर दूं, सो अब मलिक अगर जुबैर इज नॉट. अब वो वही है ना कि मलिक मुख्तार की फॉर एग्जाम्पल वो जाते हैं, जब मैं पहली दफ़ा जेल जाता हूँ जो मुर्जिम के पास, जाता क्या है कहता है छोड़ दो. हाँ सही अब बात वही है. इफ द रूल्स वर रिवर्स्ड, मैं तो बंदे लेके घूम जाता कि मेरे बाप को तूने पकड़ा है, मर जाता लेकिन गिव इन नहीं करता. गिव इन नहीं सही करता, बात है. वो जवानी का आप से जुनून कह सकते, और वही ना कि एक स्पॉइल्ड ब्रैट वट एवर द बैकग्राउंड, के ट्रू. बचपन से पावर ताकत, वेर एज द पर्सन हुज हैड इट ऑल हिज लाइफ, हुज यू नो वही बात है, बड़ा खान जिस तरह दिखाया हुआ है जिस तरह मुर्जिम का भी है, ऑब्वियसली ही हेल्प्स ऑल द पीपल ना, सो एक बंदा जिसके पास इतनी पावर, ही अंडरस्टैंड्स किया देर आर सो मेनी पीपल दैट आई हैव टू हेल्प आउट, यू नो हु आर डिपेंडेंट ऑन मी, जितने भी इश्यूज होंगे, ट्रू. जो कि औलाद में नहीं है, औलाद तो फुल बिगड़ी हुई. अच्छा, तो हम मलिक जुबैर की वापसी देखेंगे या यहीं पर रैप अप हो गया? वो जो तस्वीर ली थी ना, दैट्स मेकिंग मी क्यूरियस. आई थिंक देखते हैं, ये थोड़ी देखते हैं. बताऊंगा ओह मैं अच्छा. ऑफकोर्स, दे आई शुड यू नो लीव समथिंग फॉर द फैंस एज वेल, ओके. मतलब आप हमें कुछ, मतलब कुछ नहीं, हमें हम नहीं लटके इतना रहे कुछ, इंतजार इतना कुछ में. तो बता रहा हूँ, देखिए सब तो बता हाँ दिया, ये बात भी इतना सही सा है. तो मेरा हक है ना, चले थोड़ा नहीं, ठीक मिस्टीरियस है ठीक होने है. का, मैं लेट मी और बी मिस्टीरियस, यू नो लाइक हाँ. मिस्टीरियस. अब मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ कि वापसी जो होगी वो एज अनस होगी या एज मलिक जुबैर होगी. वही बात होगी ना, देखिए ये तो आप स्मार्ट हो गई, ये तो नहीं मैंने बताऊंगा, कहा किसी किसी किनारे से पता आइडिया अच्छा चल रहा है, था, आइडिया अच्छा आई था. लाइक इट फॉर ए सेकंड, मैं बोलने फिर नहीं, एक सेकंड सो लेट्स सी. ठीक है ठीक है. नहीं मैम, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेट एंड सी, बिकॉज मुझे लगता है ड्रामे का मज़ा खत्म हो जाता है, वो जो आपका नेचुरल यार. रिएक्शन सो होता है मेरी ना. अम्मी से भी लड़ाई होती है, अच्छा, अम्मी फोन करती है क्या होगा, मैं नहीं बताता, अम्मी मुझे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी माँ माँ हूँ मैं हूँ. तुम्हारी, ये वो मेरी बड़ी बहन वो, मैं कहता हूँ लगे रहे मसला ही नहीं, बट यही है कि मैं बताता नहीं किसी को, आई फील लाइक बता दें तो फायदा क्या, यू नो मरियम के लिए एक लम्हे के लिए भी अनस के दिल में फीलिंग नहीं आई? इतनी प्यारी है, बिल्कुल नहीं, बहुत सख्त दिल है अनस, कुछ दिल में सच रख. बोलूं या ऑडियंस को मलिक अपीज जुबैर करूं? नहीं, दोनों, पहले सच वाला आंसर और फिर ऑडियंस वाला आंसर. बिकॉज अगर मरियम के लिए किसी भी तरह की फीलिंग आती है तो मलिक जुबैर ये सब नहीं करता, और अगर मैं ऑडियंस का पीस करना, नहीं इतनी अच्छी थी, मेरा भी हुआ, फिर मैंने कहा नहीं चलो जमीन ले लेते, दैट्स नॉट ट्रू ना, दैट्स जस्ट लाइक अ स्टूपिड आंसर, ठीक है. बट वो ये कि अगेन अ मैन हु इज लाइक मलिक जुबैर इज हेल बेंट ऑन वन थिंग, ही डजंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, उसको मुर्तसिम को नीचा दिखाना है, दैट्स जस्ट इट फॉर हिम, एंड शी इज जस्ट अ मींस टू एन एंड. मरियम, मुझे ये हुआ कि मुझे लगता था वो उसके साथ कुछ बुरा करेगा, लेकिन उसने बुरा नहीं किया, छोड़ दिया. तो उससे मुझे होता है कि शायद, लेकिन ज़मीन वर मोर इम्पॉर्टेंट. ऑफ कोर्स तो उस वक्त तो वो लेके चला ऑफ गया, कोर्स, तो हो सकता, चले क्योंकि देखते वही हैं है ना कि आगे. अगर वो ज़मीन लेके उसकी बहनी कुछ कर देगा तो फिर तो मसला है, उसको तो ज़मीन चाहिए ना, अब वो कर सकता था कर सकता था, कुछ नहीं करता, बोलते सब बट कर अगेन नहीं इट विल सकता. कम बैक टू हॉन्ट देम ना, ओह मलिक जुबैर थिंक्स अबाउट दैट. इट मेक सेंस, अगर उसने इतनी प्लानिंग करके एक मिडिल क्लास आदमी बन के मेहनत करके अगर उसकी बहन को फंसा दिया, उसकी बीवी को डिसीव कर दिया, जो पूरा फॉर एग्जांपल सीन है कि मुर्जिम आता है वो कोठा है और मीरब आती है तो घर है, या वो बड़ा अब वो देखिए इंटरेस्टिंग था. कितनी हाँ वो मतलब बहुत, अगर वो इतने गेमिंग बड़ा चलाई गेमर है. है, इतने या लेवल की उसकी स्कीम्स है, सही तो ये बात बातें तो है, कंसिडर करेगा मोहब्बत ना, के जाल में नहीं फंसने वाला वो. आई मीन कोई पता नहीं क्या पता अगले ड्रामे में वो फंस जाए. चलिए ठीक है. कमिंग टू योर जर्नी, या
आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? It's all over the place because we moved a lot. Abu was posted in north primarily, but primarily मैं बड़ा हुआ एबटाबाद में inside PMA. Army में थे आपके father? तो primarily मैं PMA के अंदर बड़ा हुआ, मेरी schooling भी सारी PMA के अंदर है. तो वहाँ से फिर जब अबू का आर्मी वाला सारा चैप्टर क्लोज हुआ, वी स्टेड इन एबटाबाद फॉर अ फ्यू ईयर्स, देन वी मूव टू इस्लामाबाद. क्योंकि हमारा जो अगर ऑरिजिन वगैरह देखें तो अबू इज़ फ्रॉम अबू एंड लाइक यू नो दादा वगैरह वर फ्रॉम पिंडी. अच्छा. रावलपिंडी राइट. वहाँ पे मेरे दादा जान के नाम पे मोहल्ला भी है. एक तो वो पुराना नाम है मोहल्ले का, आगा हसन जान खान. वो लाइक बन्नी के अंदर वो मैंने खुद देखा हुआ एक बड़ी लाइक और फैमिली वाज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फैमिलीज, क्योंकि बहुत अड्डी पिंडी की फैमिलीज. बट वो हुआ बड़े बहन भाई सब इधर उधर चले गए, ताया वगैरह यूरोप चले गए, बहनें इधर उधर चली गई, अबू खुद बाहर चले गए, फिर वापस आए हैं, देन ही लाइक जॉइन द आर्मी एंड एवरीथिंग. तो वो ऑब्वियसली विद टाइम ऑब्वियसली स्कैटर हो जाता है. सो आई विल से वी फ्रॉम रावलपिंडी अगर फैमिली की से देखें, बट मैं आई वाज ऑल ओवर द प्लेस. कितने बहन भाई हैं आप लोग? आई एम द यंगेस्ट ऑफ फोर. तो लाडले हैं. असल में छोटा भाई होना बड़ा मुश्किल काम है. मुश्किल है क्यों? मैं तो सबसे बड़े नखरे उठाते होंगे सब. नखरे तो उठाते हैं लेकिन तो बहुत लाड करते सही है. नखरे तो सब उठाते हैं ठीक है, लाड भी सब बहुत करते हैं, लेकिन फिर चारों आपको सबकी शिट भी लेनी है, फिर सबके काम भी करने हैं. हमारे कजन्स में एक सेइंग है कि वो हमारे ननियाल में कजन्स की एक सेइंग है कि आदमी कुत्ता हो छोटा भाई का हो. क्योंकि आप सोचे अब आप ईद पे इकट्ठे हुए सारे कजन को 40-50 कजन है और आप सबसे छोटे हैं, तो वो 50-50 लाड तो करे. अच्छा आप ये लेके आओ, अच्छा आप वो लेके आओ, और फिर ये कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? नहीं आपको तो बैठने का टाइम ही नहीं मिलता होगा. पहले एक के लिए पानी, फिर किसी का कुछ, फिर किसी का कुछ. था ना क्योंकि मैं छोटा था. तो फायदे भी तो कुछ होंगे. फायदे भी हैं ऑब्वियसली, इट्स अ डबल एज सॉर्ट. क्योंकि आप सबके लाड लें, छोटे होने का फायदा ये कि एवरीवन केयर्स अबाउट यू, सब कोई आपको लाड करता है. बट फिर डाउनफॉल ये कि सारे अपनी शिट भी तो देखें आपको, सबके आपने सुननी भी है और सब आपको डांटेंगे. लेकिन आपके बड़े बहन भाई जो है वो आपको आई एम श्योर अम्मा बाबा के सामने प्रोटेक्ट भी करते होंगे. अगर अम्मा बाबा ने कभी डांटा नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे. सो इसका क्रेडिट दूंगा मैं अपनी सबसे बड़ी बहन को, मामा आपी. राइट, मामा आपी इज वन ऑफ द रीजंस आई डिस्कवर्ड माय लव फॉर एक्टिंग. सो शी इज समवन हु सपोर्टेड मी फ्रॉम डे वन. यू नो बीच में ऑब्वियसली देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो एक डिफिकल्ट पैच था उनके लिए और मेरे लिए भी, बट द क्रेडिट गोज टू माय एल्डर सिस्टर मामा आपी. सबसे बड़ी मुंह है, फिर मेरा भाई है. मामा आपी इज 10 years ओल्डर देन मी. माय ब्रदर लाला इज 9 years ओल्डर देन मी. देन माय अदर सिस्टर शी इज लाइक 5 years ओल्डर देन मी. देन देयर इज मी. सो मामा आपी ऑब्वियसली वाज ऑलवेज देयर. लाला हैज ऑलवेज यू नो एक दो दगा तो has like protected me. अच्छा protected क्यों? Okay. ये जो मेरी नाक है, this is also because of my brother. I don't know if you ever seen wrestling. So मैंने जिस तरह आपको बताया कि लाला is 9 years older than me. So लाला would be in I think second year. Yeah, he was in second year. और मैं मतलब किस class 1 में होऊंगा, 2 में होऊंगा बहुत हद हुई तो. और अंडरटेकर अपने करियर में पहली दफा हारा था शॉन माइकल से. ओके. आई वाज अंडरटेकर. ठीक है. Naturally लाला was शॉन माइकल. तो अब माई ब्रदर ही फॉरगॉट टू अंडरस्टैंड कि इट्स स्वीट चिन म्यूजिक नॉट स्वीट नोज म्यूजिक. तो उन्होंने लात मारी क्रैक. दैट इज व्हाई माय नोज इज लाइक दिस. ओह माय गॉडनेस. उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद से मेरे भाई ने मेरे पे कभी हाथ नहीं उठा. गिल्ट. आई होप सो. गिल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इतने वो. बट ये हुआ. तो आपने ISSB का टेस्ट भी दिया है. तो हाँ, वो क्यों था? वो आर्मी असल में अब्बू का था कि जाओ. अच्छा प्रेशर था उनकी तरफ. अब्बू का तो था जाओ तुमने दिन. नहीं नहीं मेरा तो कोई मैंने बचपन से देखा है. मैंने कहा नहीं फेल होगा या एक्सेप्ट ही नहीं ऐसा ही था और अब्बू को पता चल गया.